ये मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है जो ये अब कितना है, ये आईफोन का एडेप्टर है, आईफोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और कितना आया है वो भी आपको दिखा दूं। ये मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है जो कि यूट्यूब पे मैंने मेहनत किया है और आपने आशीर्वाद दिया है उसका, और ये अब कितना है वीडियो में बने रहे हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले कुछ और भी चीज दिखाएंगे। देखिए ये मैं कुछ पार्सल मंगाया था जो कि वायरलेस माइक है, जैसे आवाज में कहीं जाता हूँ तो ब्लॉग बनाता हूँ तो दिखते आती है, साइड की आवाजें आ जाती है तो थोड़ा अच्छा शूट नहीं हो रहा था, तो फर्स्ट पेमेंट आने वाला था इससे पहले मैंने ऑर्डर कर दिया, तो फाइनली मैंने फर्स्ट पेमेंट आज ही लेकर आया और ये आज ही मेरे घर पे आया जो कि वायरलेस माइक है ग्रीनारो कंपनी का। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कैसा काम करता है, उसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट दिखाएंगे कितना है, तो बने रहिए वीडियो में। बड़े बड़े यूट्यूबर को मैंने देखा है ये स्पॉन्सर्स करते हुए, तो फाइनली मैंने भी यही मंगाया। तो फाइनली मैंने इसको खोल दिया है पूरे अच्छे तरीके से और ये देखिए ऐसे ओपन करने वाला है, और ये आपका इसमें कार्ड मिलेगा आपको, कुछ भी हो इसका वारंटी कार्ड है, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, कुछ भी हो बात कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ये कार्ड को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। फाइनली इसमें भी ये है कैसे यूज करना है, सब सिस्टमेटिक ढंग से आपको यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, और ये देख सकते हैं कितने सेफ्टी में है। तो ये रहा ग्रीनारो कंपनी का वायरलेस माइक, इसको आप ओपन करेंगे। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि इसकी दूरी है आपको 70 फीट तक दूरी का कवरेज करेगा, वीडियो शूट अगर 70 फीट के दूरी पे भी करिएगा ना तो ये आपका आवाज थोड़ा भी मतलब कटेगा नहीं, एकदम फ्रेंकली आएगा। 70 फीट आप इसका डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है वायर जो इसको चार्ज में लगाना है। इसका बैटरी लॉन्ग लाइफ का बात करें तो ये 2 घंटा चार्ज होता है, 2 घंटा चार्ज होगा उसके बाद से आपको ये काम करेगा कंटिन्यू 8 घंटा, अगर कंटिन्यू काम करेंगे तो 8 घंटा वरना ऐसे तो 24 घंटा भी चलेगा। और फाइनली ये देखिए आपको दिया गया है चार्जर, इसको आपको एडेप्टर में लगाना है और ये टाइप सी है जो इसमें आपको लगेगा इसमें, और ये दूसरा रहा तो दोनों एक ही साथ चार्ज हो जाएगा आपका, इसमें लगा के और एडेप्टर में लगा सकते हैं और 2 घंटा में चार्ज फुल हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल देना है, चार्ज हो जाने के बाद आपको यूज कैसे करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये चार्जिंग 2 प्रकार से होगा, पहला कि आपको टोटल ये सेटअप अंदर रहेगा, उसके बाद से आपको ये टाइप सी से यहाँ पर ये चार्ज हो सकता है। अगर आप सीट पे गए हैं वहां पे अगर आपको ये सिर्फ चार्ज करना है तो यहाँ पे भी टाइप सी दिया हुआ है, सिंगल में भी चार्ज कर सकते हैं अगर बैटरी चार्ज खत्म हो गया तो। ये यूज करने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हैं रिसीवर है जो आपके मोबाइल में लगेगा, टाइप सी है, इसमें कोई बैटरी नहीं है और इसके लिए कोई चार्जिंग की भी आवश्यकता नहीं है, ये आपके फोन से ही उठा लेगा। और उसके बाद से अगर बाय द वे आप शूटिंग कर रहे हैं उसमें आपका चार्जिंग बैटरी का लो हो गया तो ये बिना निकाले आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इधर में सी टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं सी टाइप का चार्जर यहाँ पे लगा दीजिएगा फिर आपका चार्जिंग चालू। उसके बाद से इसके साथ ये एडेप्टर भी दिया है, आपका सी टाइप फोन नहीं है और ये रिसीवर को लगाना है तो इसको पहले इसमें आप लगा देंगे, उसके बाद से ये आईफोन का देख सकते हैं, ये आईफोन का एडेप्टर है, आईफोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टाइप सी हो या आईफोन हो दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा जैसे आपको रिसीवर जब लगाए हैं और शूटिंग चल रहा है कैसा आवाज आ रहा है उसको आपको सुनना है तो यहाँ पे इसको लगा कर और इसमें आप हेडफोन लगा कर ट्राई कर सकते हैं कि हाँ आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे लाइव आप सुन सकते हैं। तो कितना अच्छा सिस्टम दिया है सब चीज का। फाइनली चलिए मोबाइल में लगाकर हम आपको दिखाते हैं कैसा इसका आवाज आ रहा है। तो फाइनली गाइस ये रिसीवर रहा, इसको आपको मोबाइल में किसी भी मोबाइल में टाइप सी में लगा देना है, और इसके पहले आपको ओटीजी जो कनेक्शन होता है ओटीजी उसको ऑन कर लेना है तभी ये कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे लाइट जलेगा। और उसके बाद से ये रहा आपको, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है बटन, इसको दबाए रखना है, दबाए रखिएगा तो ये देखिए ऑन हो गया,
ऑन होगी आपको बैटरी चार्जिंग कैसा है वो सब कुछ दिखाएगा, उसके बाद से ये काम करना चालू कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं आवाज कैसा इसका आ रहा है। मैंने सेट कर दिया है, अब आवाज जो भी जा रहा है इसके माध्यम से ये जा रहा है, रिसीवर कनेक्ट कर रहा है। और फाइनली अभी तो पास से बना रहे हैं आप, जो कि 65 फीट की दूरी है ना इसकी, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि 65 फीट की दूरी पे इसका आवाज कैसा आ रहा है। फाइनली इसको अभी हम यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, अगर आपको नॉइज को कैंसिलेशन यानी कैंसिल करना है, जैसे आप यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और बाहर में जो शोर शराबा हो रहा है हॉर्न का या कुछ भी गांव में है या कहीं भी है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक बार प्रेस कर देना होगा। एक बार प्रेस कीजिएगा फिर ये आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, नॉइज कैंसिलेशन हो गया। तो चलिए एक बार हम आपको दूरी दिखाते हैं कितना दूर तक ये कवर कर सकता है। तो फाइनली गाइज अभी जो आप देख रहे हैं या जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये माइक के थ्रू बात हो रहा है और वो भी नॉइज कैंसिलेशन, तो आप आवाज को समझ सकते हैं कि कैसा आवाज दे रहा है। चलिए अभी हम आपको बाहर ले चलते हैं और इसका ट्राई करते हैं कि ये जो 65 फीट की दूरी दिया गया है ये सच है या गलत है। तो चलिए उसका भी ट्राई कर लेते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली गाइज अभी देख सकते हैं हम अपने छत पे है और एक लड़का को जो मैंने फोन दिया है वो लगभग यहाँ से 60 फीट की दूरी पे गया है। अब कैसा आवाज जा रहा है ये तो मेरे को पता नहीं है, बट वीडियो में आप सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, शायद अच्छा ही जा रहा होगा। और चलिए देख सकते हैं, वो थोड़ा जूम करके दिखाओ भाई, थोड़ा जूम कर दो। और हम लोग अभी छत पे खड़े हैं, जस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं आवाज कैसा जा रहा है। तो मतलब काफी परफेक्ट काम कर रहा है, जो भी इसमें दिया है वो सब चीज सही है। तो फाइनली गाइज आपने देखा है कि कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, लगभग 65 फीट के दूरी पर मैंने भेजा भी था एक लड़के को और आपने लाइव प्रूफ देख लिया, तो काफी बेटर है। और मैं तो काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं वीडियो जब शूट करता था तो बहुत नॉइज कैंसिलेशन का दिक्कत होता था, उसको चुप कराओ, कोई झाड़ू मार रहा है तो कोई गाड़ी लेके गया हॉर्न बजा दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब 1 घंटा का वीडियो शूट करने में हमको 4 घंटा लग जाता था। तो अब वो दिखते नहीं आएंगे, शॉर्ट्स में हो या लॉन्ग में वीडियो हो। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डबल में और वन सिंगल में भी मिलता है। सिंगल में आप खरीदिएगा तो 1800 के आसपास आएगा, अगर डबल लेते हैं तो वो 2600 के आसपास आएगा। तो सबसे बेटर रहेगा डबल, कहीं भी आप जाइएगा बातचीत कीजिएगा तो एक अपने लगाइए एक दूसरे को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिंगल रहेगा तो थोड़ा कनेक्टिविटी या जो भी कनेक्शन है थोड़ा लो ही उठाता है दूसरा कोई बोलेगा तो अपने के लिए या किसी और के लिए या न्यूज से रिपोर्टिंग से भी काम करते हैं तो काफी बेटर है। और मान लीजिए जब वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और लास्ट में आपको पेमेंट की बात थी तो मैं पेमेंट बता देना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट $206 आया है और आप कन्वर्ट कर देख सकते हैं कितना होता है। जाइए कैलकुलेटर पर 206 में 84 से गुणा कीजिए और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से फाइनली वो मेरा पेमेंट आया है, आप समझ के कमेंट जरूर कीजिए कि कितना पेमेंट आया है, $206 आया है, इंडियन रुपीज कितना हुआ, कमेंट आप जरूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाबा, खुश रहे, मस्त रहे और ऐसे ही प्यार देते रहिए। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी अच्छे अच्छे जगहों पे जाएंगे, ब्लॉग हो या शॉर्ट वीडियो हो सब चीजें हम बनाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाबा।